आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 42। एक बार फिर वर्तिका उसी बस्ती में मौजूद थी जहां जीवन का अजब अनुभव उसे मिला था। वे कार से उतरकर रानी और ड्राइवर को अपने साथ लाए सामान के लिए निर्देश दे रही थी। तभी कोई हाथ उसे अपने कंधे पर महसूस हुआ और वह पलट कर देखती हैरान रह गई। आपस में दूसरे को पहचानने में उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई। वर्तिका उसे एक दूसरे को पहचानने में ऊपर से नीचे देखती हैरानी से देखती बोली, हेलो उषमा जी, आप यहाँ? मैं तो यहाँ रोज ही आ जाती हूँ, वे अपने एप्रन पर टिकी वर्तिका की नज़र समझती हुई कहती है। ओह, तभी आपको देखकर उस दिन मुझे लगा ही था कि आपको कहीं देखा है। तो तुम भी यहाँ आती रहती हो क्या? बस ये दूसरी बार है। फिर उषमा का ध्यान उसकी कार की ओर जाता है। और ये इतने सारे खिलौने, कोई इवेंट प्लान कर रही हो क्या? उषमा ढेरों खिलौनों को देखती हुई पूछती है। हाँ, यहाँ के बच्चों के लिए हैं ये सब, वर्तिका भी उतने उत्साह से प्रत्युत्तर देती है। ओह अच्छा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय, कहती हुई उषमा फिर से उस ओर बढ़ जाती है जहाँ लोगों की भीड़ अब बढ़ चुकी थी। वर्तिका उन बच्चों के लिए खिलौने लाकर बहुत ज़्यादा ही उत्साहित थी। उसने वे सारे खिलौने बस्ती के बच्चों को देने का काम रानी को सौंप दिया और फिर ड्राइवर के साथ वापसी को चल दी। वे अपनी कार में बैठने ही वाली थी कि उसकी नज़र एक रुकी कार की ड्राइविंग सीट पर चली गई, जहाँ उषमा चाबी घुमाते घुमाते परेशान हुई जा रही थी। ये देखते ही वर्तिका उतरकर तुरंत उसके पास आती। जो ही खड़ी हुई उषमा उसे देख फंसी सी हंसी से हंस पड़ी। लगता है एक बार फिर से इसे एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। आइए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। इस पर दोनों एक साथ मुस्करा पड़ती हैं। हाँ, लगता तो ऐसे ही है, कहती हुई उषमा वर्तिका के साथ चल देती है। उषमा ने जो पता बताया वहाँ पहुँचते वर्तिका हैरानी से देखती रह गई। वे बड़े काले गेट के अंदर जाते उसकी नज़रों के सामने एक बड़ा बंगला सीना ताने खड़ा था। और उससे भी हैरानी तब हुई जब कार के पोर्च पर रुकते उसे कतार से दो लग्जरी कार भी खड़ी दिखाई दी। हैरान मत हो, ये मेरा ही घर है, अक्सर मुझसे पहली बार मिलने वाले ऐसे ही हैरान रह जाते हैं, अपनी ओर उतरती हुई उषमा कहती रही। मजिस्ट्रेट हीरानंद गोविंद पाठक जी का घर है ये, जो मेरे पिता हैं। ओह अच्छा, मैंने उनका नाम सुना है, शायद किसी न्यूज़ में, वर्तिका हिचकिचाती हुई कहती है। हाँ, वे अपने फैसलों की वजह से अक्सर खबरों की सुर्खियों में बन छाए रहते हैं। इस पर वर्तिका मुस्कुरा देती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पहली बार घर आई हो तो कॉफ़ी पीकर जाओ ना, प्लीज़। अरे आप प्लीज़ क्यों कह रही हैं उषमा जी, मैं रुक जाती हूँ, कहती है वर्तिका भी अब कार से उतर कर खड़ी हो गई थी। अब वे साथ में उस बंगले में प्रवेश कर रही थी। चलते चलते उषमा कहती है, वैसे तुम मुझे उषमा भी बुला सकती हो, यूँ तो हम योगेश की कोर्समेट हूँ तो तुम्हारी क्लासमेट। ओके उषमा, बड़ी सावधानी से वर्तिका उसका नाम लेती मुस्करा देती है। वर्तिका को लिविंग रूम में बैठा कर एक नौकर को आवाज़ लगाती हुई कॉफ़ी के लिए कह ही रही थी कि उसके चंद सेकेंड में ही उसके पीछे से आदित्य अपने हाथ में ट्रे लिए उनकी ओर आता हुआ कहता है, ये लीजिए आप दोनों के लिए कॉफ़ी, इससे फास्ट डिलीवरी तो कोई नहीं दे सकता। जहाँ वर्तिका जानकर आदित्य के नज़रें हटाई थी, वहीं उषमा हैरानी से उन दो कपों को देखती ही बोल उठी, तुम्हें कैसे पता? दिल को दिल की राह होती है दी, कह कह उषमा से कह रहा था, पर उसकी पूरी निगाह वर्तिका पर थी। ट्रे से कप को उन दोनों की ओर बढ़ाकर वह भी वहीं बैठ जाता है। कप लेती हुई उषमा बोल उठी, ओह तो जनाब ने अपने लिए बनाई कॉफ़ी को दो कप में करके दे दिया, कप की थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी इसकी गवाही दे रही है। उषमा की बात पर तुनकते हुए आदित्य बोल उठा, क्या दी, आपको सबूत इकट्ठे करने को किसने कहा, आप तो बस कॉफ़ी का मज़ा लो ना। अपनी बात कहता हुआ तुरंत पीछे खड़े नौकर को देखता हुआ कहने लगा, तो महोदय आप दोबारा मुझे कॉफ़ी ला के देंगे? यह सुनते नौकर हड़बड़ाता हुआ तुरंत वापसी की ओर मुड़ जाता है। वैसे इतनी जल्दी क्या थी, हम इंतज़ार कर लेते अपनी कॉफ़ी का, होठों के कोनों से मुस्कुराती हुई उषमा कहती है। वो क्या है, मेहमान भगवान होते हैं, तो देवी को खुश कर रहा था, कहता वह अपनी नज़रें फिर से सीधी वर्तिका की ओर उतार देता है, जबकि उषमा कसकर खिलखिला उठी थी। वैसे भी जब तक तो मेरी कॉफ़ी नहीं आ जाती और मैं उसे ख़त्म नहीं कर लेता, तब तक मैं आप दोनों को मेरे साथ बैठना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। वर्तिका भी आदित्य की ओर देखने लगी, लेकिन उसके हाव भाव वैसे ही नाराज बने हुए थे जैसे उस दिन योगेश के यहाँ पार्टी के दौरान बन गए थे, जब आदित्य जबरन उसे डांसिंग फ्लोर तक ले गया था। तब तो उसकी घूरती आंखें दिखाकर वह वापस आ गई थी और आज फिर वह उसके सामने बैठा था।
वर्तिका प्लीज नेवर माइंड, एडी की ना आदत है ऐसे मजाक करने की। इस पर वर्तिका ना चाहते हुए भी धीरे से होंठों को विस्तार दे देती है। शाम बस होने वाली थी। समंदर के कोने में लालिमा बढ़ती जा रही थी, फिर भी उतरती धूप रेतीले कणों में पड़ती हुई चमक रही थी और उनके साथ साथ वे दो जोड़ी पैर कभी साथ साथ चलते तो कभी खिलखिलाते हुए एक दूसरे को पकड़ने दौड़ जाते। उनके कदमों के छूटे निशान पर वे उमड़ती लहरें बार बार अपनी हथेली फेरती, उन्हें मिटा देती। आखिर वे भी तो यही चाहते थे कि वे दुनिया की नज़रों से छिपे रहें, इसलिए उस सुनसान समंदर के किनारे को उन्होंने चुना था। जब थक कर वे एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए खुले आसमान को निहार रहे थे, दूर से उनके भीगे जिस्म रेत के आफताब में तमक रहे थे। काश ये वक्त यहीं ठहरा रह जाए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता विवेक? लेकिन मेनका, न वक्त ठहरता है न हाथ में रहता है, ये तो बस गुजरता रहता है। पर मेरे हाथ में तो है। मेनका विवेक की ओर पलटती हुई उसके बाहों में पूरी तरह से समाती हुई कहती है, और इस वक्त तो हम मिलकर कहीं नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, धीरे से कहता हुआ उसके उन्मुक्त बालों में हौले हौले उंगलियां फिराने लगता है और मेनका उसकी बाहों में पूरी तरह से गुम होती आंखें बंद कर लेती है। सेल्विन रंजीत की ओर मुड़ता है। क्या बात है सेल्विन, आपको ये बताने आया था कि आपकी डीलिंग में देरी होगी। क्यों? नया साल है तो इस बीच पुलिस की कश कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, डीलिंग के लिए कुछ और सुरक्षित स्थान तय करने में समय लग रहा है। इसमें ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, तुम्हें पता है ना मैं इसमें बिल्कुल नुकसान नहीं उठा सकता। नहीं होगा रंजीत साहब, वैसे भी यही समय तो शराब बिक्री का सबसे उम्दा समय होता है, पूरे स्टेट में आपका ही तो जलवा है। ठीक है, रंजीत शराब का गिलास उठाते हुए कहता है, और उस कल्याण का क्या हाल है? रंजीत साहब, कल्याण अब किसी कठपुतली से कम नहीं है और उसकी डोर हमारे हाथ में है, आप जैसा चाहेंगे वे वही करेगा। अच्छा, कैसे? सेल्वन चतुरता भरी मुस्कान के साथ कहने लगा, आजकल उसका एक ही ठिकाना है, शराब का अड्डा। उसे ऐसी शराब की लत लगाई है कि नशे में वह किसी का कत्ल भी कर सकता है। ओह रियली? जी हाँ बिल्कुल, वो अब वक्त आ गया है जब इन प्यादों से राजा को घेर कर उस पर चौथरफा वार किया जाए। अरे आप क्यों इतना दिमाग में जोर दे रहे हैं रंजीत साहब, आप बस दर्शक बनकर तमाशा देखिए, मुझे बस हल्का सा इन्हें पुश करना है, बाकी का काम ये प्यादे खुद ही कर लेंगे। लेकिन प्यादों पर अपनी नज़र रखना, ये अपनी मर्जी से एक भी कदम ना उठाने पाए। रंजीत एक बड़ा घूंट भीतर उतारते कहने लगा। सेल्विन अब उठकर खड़ा हो जाता है। रुको, ये लो, आज क्रिसमस है ना, जाकर मौज करो। सेल्विन रंजीत द्वारा रखी गोटों की गड्डी उठाने लगता है, वह उन्हें अपनी जेबों में ठूस कर तुरंत ही तेज कदमों से वहां से निकल रहा था। उसके निकलते रंजीत शून्य में ताकता हुआ खुद से ही बुदबुदा उठा, दीवान परिवार, बस कुछ दिन और फिर तुम्हारी बर्बादी की कहानी तुम्हारी नियति बन जाएगी। मैं तुम्हारे एक एक गुनाहों का बदला लूंगा, पिछले 10 साल से जिस आग में जला हूँ मैं अब उसमें तुम्हारे जलने की बारी है, जलाकर राख कर दूंगा तुम्हारा दीवान एम्पायर। दांत भींचे वे अब शराब की बोतल को घूरने लगा था। रूबी सेल्वन के घर पर थी। उसने कमरा साफ किया, मेज पर केक सजाया, पूरे घर भर में कैंडल जलाई और देखते देखते कमरा चमक उठा जाले से। दूर दूर तक अंधेरों का नामो निशान नहीं था। सेल्वन जब तक अपने घर वापस आया, रूबी ये सब कर चुकी थी। अब वे हद प्रवता से ये सब देख रहा था। रूबी उसके पास आती कह रही थी, हैप्पी क्रिसमस। कहने के बाद वे कुछ पल तक उसका चेहरा ताकती रही, मानो वो उसे भी किसी चीज का इंतजार हो। तुम भी बोलो ना मुझे, रूबी भरपूर मुस्कान से कह रही थी, जबकि सेल्विन सपाट भाव से कहने लगा, मुझे इन फेस्टिवल पर कोई बिलीवनेस नहीं है। पर मेरा बिलीवनेस तुम पर है सेल्विन, कहती है वे उसके और पास आ गई थी। वे अपनी गहरी गहरी आंखें उसकी बुझी हुई आंखों में डालती हुई लगातार उसे देख रही थी। वे उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे छुड़ाते हुए कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके, कहती हुई जाते हुए सेल्विन को देखती रही, फिर खुद में ही मुस्कुराती हुई केक को और करीने से रखने का उपक्रम करने लगी। कुछ देर बाद बदले हुए कपड़ों में वे हल्के कदमों से चलता हुआ फिर से रूबी के सामने खड़ा होकर कह रहा था, रूबी आज मेरा मन ठीक नहीं है, तो क्या तुम कल आ सकती हो? क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? एकदम से परेशान होती रूबी तुरंत सेल्विन का सर माथा छूने लगी थी, जबकि वह खुद को रूबी की पहुँच से दूर करने लगा। बस आज मैं अकेला रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज की रात को यादगार बनाना चाहती थी, कहती हुई रूबी अपनी हथेली उसकी आंखों के सामने खोल देती है, जहाँ दो रिंग चमक रही थी। उसे देखते सेल्विन बुरी तरह से चौंक जाता है, जैसे कोई डर उसके सामने जीवंत हो गया हो।
उसके हाव भाव जहाँ भयभीत बने थे, वह रूबी के हाव भाव में बेहद प्यार उमड़ रहा था। वह झट से सेल्विन के रिंग फिंगर में एक अंगूठी उतारती ही बोलती है, मैं तो एक तरह से तुम्हारी हो गई हूँ और आज इस बात पर मोहर भी लगा देती हूँ। आई लव यू सेल्विन, कहती है वह कब दूसरी अंगूठी उसके हाथों में से लेती, अपनी उंगली पहना लेती, उसे पता भी नहीं चलता। सेल्विन तो जैसे सारे होशो हवास खो बैठा था। रूबी उसके सीने से लगती हुई उसकी बाहों के बीच गहरी गहरी सांसें ले रही थी। सेल्विन को पहली बार खुद से डर लगने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि खुद को, आज उसका मन भी उसके साथ दगा कर रहा था। आखिर यही विश्वास तो वह उसका जीतना चाहता था, लेकिन उसे पाने की कोई खुशी नहीं थी उसके पास। वह सहमा सा रूबी से छिटकना चाहता था, जबकि वह उसकी बाहों में किसी मुक्त दरिया की तरह समाई हुई कहती जा रही थी, मुझे तुम पर अब खुद पर ज़्यादा विश्वास है और आज ये पल इस बात के गवाह बन जाएंगे कि मुझे तुम पर कितना भरोसा है। सेल्विन, अब हम जल्दी ही शादी करेंगे, फिर देखना हमारी कितनी खूबसूरत सी दुनिया होगी जहाँ हमारे प्यार के सिवा कुछ नहीं होगा, देखना। रूबी उसकी बाहों के बंधन में खुद को कसती जा रही थी, जबकि वह किसी बुत की तरह खड़ा आज पहली बार खुद को कितना हारा हुआ महसूस कर रहा था। धीरे धीरे कमरे की कैंडल की आखिरी लौ भी बुझ गई, जहां न सेल्विन रूबी का विश्वस्त चेहरा देख पाया और न रूबी सेल्विन का डरा हुआ चेहरा। सभी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अरुण भी निकलना चाहता था, पर भूमि ने उसे किसी काम से रोक लिया था। अब डाइनिंग टेबल पर अरुण क्षितिज की ही मौजूद थे। अगले ही पल भूमि आते एक स्वेटर अरुण की ओर बढ़ाती हुई कहती है, पहनो तो जरा इसे। अरुण तुरंत ब्लेजर उतार कर उसे पहनता हुआ कहता है, बिल्कुल फिट है भाभी, क्या कमाल का स्वेटर बुना है आपने। वह स्वेटर पर हाथ फिराते हुए कह रहा था, जबकि भूमि उसके पास आती स्वेटर की फिटिंग को चेक करती हुई कहने लगी थी, हाँ सच में क्या कमाल की फिटिंग दी है, मतलब आप खरीद कर लाई हैं और मुझे लगा आपने बुना है, अरुण कहता है। यही वक्त था जब उजला वहाँ आती है, जिसकी ओर देखती ही भूमि कहने लगी, इधर आओ उजला, ये है इसकी मास्टर। भूमि के इस तरह कहते ही वे पूरी तरह से सकपक आ गई थी। अरुण भी तिरछी नज़र से उसकी ओर देख रहा था, जबकि भूमि अभी भी कहे जा रही थी, मैं तो पिछले 2 साल से इसे बुन रही थी, यूँ ही शौकिया शुरू किया था और लग ही नहीं रहा था कि सीजन में इसे पूरा कर पाऊंगी मैं, पर उजला जाने कब तुमने इसे पूरा भी कर दिया। उजला बुरी तरह से हकपक आ गई थी, ना वह नज़र उठाकर उनकी ओर देख पा रही थी और ना उसे कुछ जवाब ही देते बन रहा था। भूमि कहती रही, उजला तुम कोई जादूगर हो क्या, जाने कैसे इतने सारे काम एक साथ कर लेती हूँ। तुम्हारे आने से क्षितिज की तरफ से मैं भी कितने निश्चिंत हो गई हूँ, अच्छा गाती भी हो, अच्छा खाना बनाती हो, अब ये स्वेटर, लगता है रोज ये किसी नई उजला से मिल रही हूँ मैं। भूमि अपनी जो बात हंसती हुई कह रही थी, इस बात पर अरुण तीच नज़र से उजला की ओर देख रहा था, जबकि उजला जबरन टेबल की क्रॉकरी ठीक करने में लगी थी। मम्मा मुझे भी ऐसा स्वेटर चाहिए, तभी क्षितिज की आवाज़ पर सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। इस पर भूमि उसके कहने से पहले ही उजला धीरे से कहने लगी, आप ऊन ला दीजिए मैं बना दूंगी। भूमि भी उसी तरह खुशी से प्रत्युत्तर देती है, ठीक है ला दूंगी, लेकिन ज्यादा परेशान मत होना, जब समय मिले तब बना देना। उजला हाँ में सर हिलाती जाने लगती है। सबको लगता है बात खत्म हो गई, लेकिन तभी अरुण कुछ ऐसा कहता है जिससे उजला के कदम वहीं ठिठक के रह जाते हैं। इतनी काबिलियत है उजला के हाथ में, तो भाभी मुझे लगता है उजला को इससे कुछ बेहतर करना चाहिए। आई मीन टू से कि आपकी संस्था में इतने सारे उद्यमी महिलाओं की चेन है, तो आप क्यों नहीं उजला को उससे जोड़ देती, उसके कमाने का रास्ता भी हो जाएगा, फिर उसे मेंशन में के आश्रय की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अपनी बात कहते हुए अरुण की सीधी नज़र उजला के हाव भाव पर थी। उजला वाकई इस बात से बेहद परेशान नज़र आने लगी थी। भूमि भी अरुण की बात पर आगे कहने लगी, मैंने तो उजला को कहा भी था कि उसके पास अपना रोजगार और अपने पैसे होंगे, आखिर कब तक ऐसे गुमनामी का जीवन जीती रहेगी, क्यों उजला बोलो तो। मैं सोचूंगी, कहते हुए तुरंत उनकी नज़रों के परिदृश्य से हट जाती है। उसके अजीब व्यवहार पे वे उसे देखते रह जाते हैं। तभी अरुण का मोबाइल बज उठा, उस पर आकाश था और जल्दी जल्दी अपनी बात कह रहा था, कहाँ हो तुम, तुम्हें अभी ऑफिस में होना चाहिए ना, तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में मिलो। अपनी बात कहकर आकाश तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अब अरुण तुरंत ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। चलते वक्त वह अभी भी वही स्वेटर पहने था, जबकि ब्लेजर उसकी बाह में झूल रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में दीवान साहब, आकाश और मेनका मौजूद थे और खामोश बैठे सामने प्रोजेक्टर में देख रहे थे।
जहाँ मिस्टर ब्रिज उन्हें हालिया माहौल से अवगत कराता हुआ दिखा रहा था। यह है दीवान प्रोजेक्ट की वो ज़मीन जिसका काम लगभग तैयार है, जिसके लिए सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। लेकिन इससे इतर आप इस फैक्ट्री के एंट्रेंस पर बनी इस ज़मीन को देखिए, यह है सबसे बड़ी समस्या। यहाँ शाम से कुछ अराजक तत्वों का आना जाना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद से फैक्ट्री के मजदूरों का निकलना मुश्किल हो जाता है। लगभग आप जहाँ तक गलत समझ सकते हैं वो यहाँ काम होता है और उसका प्रभाव पड़ता है फैक्ट्री पर। इस पर अरुण वहाँ प्रवेश करता है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। अरुण के आने पर ब्रिज कुछ क्षण को मौन होता है तो दीवान साहब उसे टोकते हुए कहते हैं, कंटिन्यू। ओके सर। तो सर, एग्जैक्टिव प्रॉब्लम ये है कि इससे मजदूर परेशान हो रहे हैं। काम लास्ट तक पहुँच चुका है लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रहा। आकाश तुरंत बोल उठा, तो कौन सी बड़ी बात है, पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। सुपरवाइजर ने सब किया सर, यहाँ तक कि कमिश्नर साहब तक भी रिपोर्ट की, लेकिन लोकल पुलिस के मिले होने से जब वहाँ पर कोई बड़ी जांच की टीम पहुँचती है तो सब कुछ बंद मिलता है। तो है कौन वो लोग, अरुण पूछता है। अरुण के प्रश्न पर उत्तर देने से पहले वे मेनका की ओर देखता है और अपने शब्दों को नाप तोल लेता है। सर, गलत लोग हैं वे सब, और उस ज़मीन पर शाम से रात तक जो गलत कर सकते हैं वो करते हैं, जिस वजह से कोई महिला मजदूर वहाँ नहीं आती और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रही है। खरीद लो ज़मीन को। अब सभी मिस्टर दीवान की ओर देखने लगे थे जो आगे कह रहे थे, हमें फालतू की समस्या में नहीं पड़ना, वो लोकल गुंडे हैं, किसी भी कीमत पर खरीद लो ज़मीन को, समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। ओके सर। वेल नेम डाउन, दीवान साहब के कहते ब्रिज तुरंत रूम से बाहर निकल जाता है। जो दीवान साहब के अलावा आकाश, अरुण, मेनका ही रूम में रह गए थे। अरुण, आवाज़ पर अरुण अपने पिता की ओर देखने लगा था जो आगे कह रहे थे, उस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का क्या हुआ, एनी अपडेट। अरुण जल्दी से कहता है, यस डैड, मेरी भेजी कोटेशन अप्रूव हो गई। कोटेशन के अप्रूव से क्या होगा, इससे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिलेगा, पीछे से आकाश जल्दी से कहता है, लेकिन मिलने का परसेंटेज बढ़ जाएगा। जवाब में अरुण कहता है, अरुण तुम्हें पता भी है पिछले 5-6 सालों से ये हमें नहीं मिला है, तो तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी। आकाश तल्खी से जवाब देता है, तब तक कोटेशन भी अप्रूव नहीं हुई थी भैया, जबकि आज कम से कम ये तो अप्रूव तो हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि टेंडर भी पास हो जाएगा। रबिश तुम। आकाश अरुण की बात सुनते कुछ और कहने वाला था, पर उससे पहले ही दीवान साहब उन्हें बीच में टोकते हुए कहने लगे, आकाश, अरुण, क्या तुम दोनों अपनी अपनी एनर्जी एक दूसरे से भिड़ने में ही यूज़ कर लोगे, या इसके अलावा भी तुम दोनों का कोई प्लान है। दीवान साहब के टोकते अरुण तुरंत सर झुकाते कहता है, सॉरी डैड। जबकि आकाश अरुण की ओर तीखी नज़र देखने लगा था, मेनका हतप्रभ उनकी ओर देख रही थी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों आपस में इस तरह से भिड़ जाओगे। कहते हुए दीवान साहब बारी बारी से दोनों को देखने लगे, वैसे भी लग रहा है जैसे कोई दीवान मेंशन में सेंध लगा रहा है, और ऊपर से तुम दोनों का ये रवैया। क्या मतलब डैड, अरुण चौंकता है, बहुत कुछ हो रहा है हमारी नाक के नीचे और हम समझ भी नहीं पा रहे। मुझे समझ नहीं आता हमारी प्राइवेसी की खबर बाहर तक कैसे जा रही है। पिछली बार मैंने टैक्स से कुछ कटौती करने के लिए अकाउंट स्टेटमेंट चेंज करने की सोची ही थी, उससे पहले ही सरकारी अफसर आ गया और प्री टैक्स पेइंग हो गया, कभी हाथ आया टेंडर निकल जाता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैंने जिस सिस्टम को निजी होने के लिए बनवाया था उसकी खबरें अब बाहर तक जा रही हैं, आखिर कैसे। वे बारी बारी से तीनों को देखते हैं, जबकि तीनों आपस में एक दूसरे को देखने लगे थे। कुछ पल के मौन के बाद वे आगे कहते हैं, खैर इस बारे में बाद में देखते हैं, पहले इस टेंडर को किसी भी तरह से हासिल करो, अगर इस बार हमें टेंडर मिल गया तो समझो हमारी खोई प्रतिष्ठा की चाबी फिर से हमें वापस मिल जाएगी, मार्केट में गया हमारा ट्रस्ट हमें फिर से वापस मिल जाएगा, इसलिए तुम दोनों इस टेंडर के बारे में सोचो और साथ में इसकी प्रक्रिया पूरी करो। ये सुनते अरुण और आकाश साथ में हामी भरते हैं। अब तीनों उठने लगे तो एक बार फिर से दीवान साहब बोलते, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि बहुत सिक्रेटी हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रकम लगने वाली है, और अगर हमारा टेंडर पास नहीं हुआ तो इनिशियली अमाउंट वापस नहीं होगा। ओके डैड, कहते हुए अरुण और आकाश साथ में बाहर आ जाते हैं। तब तो मेनका उस रूम से काफ़ी आगे आती है, कॉल करती हुई बहुत धीमे से कह रही थी, हाँ विवेक, मीटिंग खत्म हो गई, बोलो क्यों किया था मीटिंग। ओके ओके, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। उधर से विवेक कह रहा था, हाँ किसी खास जगह पर तुम्हें ले जाना था, तो आपसे 5 मिनट में मिलो अपनी पुरानी जगह पर, फिर चलते हैं वहीं से।
इसमें मेनका बड़े प्यार से हाँ कहती मुस्कुरा देती है। वह नहीं जानती थी कि सह विवेक आकाश के केबिन में था और उसके सामानों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वैसे ही मेनका का कॉल आया, वह उसका लैपटॉप बंद करके तुरंत वहां से निकलने लगा कि तभी रूम का दरवाजा खुल गया। भूमि जैसे ही अपनी संस्था पहुंची, वर्तिका को देखती हैरान होती पूछ उठी, वर्तिका यहाँ कैसे? आपसे बात करनी थी, लेकिन कहीं मैं आपको बेवजह परेशान तो नहीं कर रही? अरे बिल्कुल नहीं, आओ ऑफिस में चलो, कहती भूमि को वर्तिका का हाथ पकड़े अंदर ले चलती है। अब दोनों संस्था में ऑफिस में बैठी थी। हाँ अब बताओ कि क्या बात है? भूमि इत्मीनान से बैठती हुई अपने सामने कुर्सी पर बैठी वर्तिका को देखती ही पूछती है, बस भाभी कुछ दिनों से बहुत कंफ्यूज हो रही थी, तब लगा आप ही सही राय दे सकती हैं। हाँ तो बोलो ना। मैं कोई सोशल वर्क करना चाहती हूँ, पर ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे और कहाँ से शुरू करूँ, आप ही कुछ सजेस्ट करिए ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम खुद को इसके लिए तैयार मानती हो? क्या मतलब भाभी? आज से 15 साल पहले जब यही बात मैंने अपने पिता से कही थी, तब उन्होंने भी ठीक यही सवाल किया था मुझसे। वर्तिका हैरानी से भूमि की ओर देखती रही, जो सहज भाव से अपनी बात कह रही थी। ये उम्र ही ऐसी है जब बहुत तरह के विचार आते हैं, यहाँ तक कि लगता है कि बस चुटकियों में दुनिया बदल देंगे, लेकिन फिर उसके बाद का क्या? समय बदलता है और उसके साथ विचार भी। इसलिए मेरे पिता ने भी मुझसे यही बात पूछी थी, ताकि मैं खुद को सुनिश्चित कर सकूं कि इस विचार को मैं आगे जाकर विचारधारा बना पाऊंगी भी या नहीं। लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना भाभी? हाँ इसलिए तो कह रही हूँ कि खुद को समय दो, खुद को टटोलो खंगालो, फिर देखो कि क्या विचार बनता है तुम्हारा। सच कहती हैं आप, वर्तिका मुस्कुराती हुई कह रही थी। तभी तो मैंने भैया से कहा था कि इस मामले में आपसे बेहतर कोई राय दे ही नहीं सकता। तुम अपने भाई रंजीत की बात कर रही हो ना? भूमि जिस बात को बड़ी सहजता से कह रही थी, उस पर वर्तिका पूरी तरह से हैरान होती कहने लगी, क्या आप जानती हैं उन्हें? हाँ मिली थी एक बार, वैसे कहाँ है आजकल, मैंने इतने सालों से कहीं देखा ही नहीं उन्हें। यही इसी शहर में हो? ऐसे वो एक्चुअली पार्टी और मीडिया से दूर रहते हैं ना। ओके, भूमि अब वर्तिका की ओर अपना ध्यान हटा लेती है, जबकि वर्तिका के हाव भाव अभी हैरान बने हुए थे। वह संकोच से फिर पूछ उठी, भाभी क्या सच में आप मेरे भैया को जानती हैं? अरे हाँ भाई, इनफैक्ट रंजीत ने मेरी मदद भी की थी एक बार, मुझे अच्छे से याद है, वो मेरा पहला सोशल इवेंट था और मेरी एक भी टिकट नहीं बिकी थी, और तब मैं बहुत हतोत्साहित हो गई थी। फिर रंजीत ही थे जिन्होंने मेरी सारी टिकट बिकने में बहुत मदद की थी, अ वेरी गुड पर्सन। वर्तिका हैरान रह गई। भूमि जिस बात को इतनी सहजता से कह रही थी, उस बात पर हमेशा उसका भाई असहज हो जाते थे और हमेशा ऐसे ही दिखाते कि भूमि भाभी को बिल्कुल जानते ही नहीं, आखिर ऐसा क्यों? वर्तिका चाय मंगाऊं तुम्हारे लिए? भूमि उसे चुपचाप होती देखती पूछने लगी थी। नहीं भाभी, वर्तिका का ध्यान अब भूमि की ओर जाता है। चाय? ठीक है, एक बात और पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ पूछो। क्या उस इवेंट की कुछ तस्वीरें होंगी आपके पास? असल में भैया की पुरानी कोई तस्वीर नहीं तो शायद उसी में मुझे भैया की कोई तस्वीर मिल जाए। इस पर भूमि हंसती हुई कहने लगी, बड़ी अजीब है तुम्हारे भाई, चलो चेक करवाती हूँ कि रिकॉर्ड रूम में कोई है क्या। कहते हुए एक बैल के साथ वे किसी महिला कर्मी को अपने सामने खड़ा पाती है, इससे वे कह रही थी, जमीला क्या श्रीवास्तव जी हैं क्या? कुछ पुरानी तस्वीरें कंप्यूटर में दिखवानी है। हाँ मैडम जी वहीं बैठे हैं, क्या बुलाऊं उन्हें? इससे पहले कि भूमि इस पर कुछ कहती, वर्तिका तुरंत कह उठी, भाभी आप कहें तो मैं खुद वहाँ चली जाऊँ, मैं तस्वीर पहचान भी लूँगी। ओके ठीक है। वर्तिका वाकई बेसब्र हुई जा रही थी, उसके लिए उसके भाई का जीवन किसी पहेली जैसा था। वह अपने भाई के साथ रहते हुए भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, पर आज उसकी जिज्ञासा चरम पर थी और वह किसी हालात में भी इस क्लू को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती थी। विवेक चाहता जानता था कि वे जो भी कर रहा है अपनी सीमाओं से परे कर रहा है, जिसका डर उसके हाव भाव में समाया हुआ था, जिसे अचानक दरवाजा खुलने से वे बुरी तरह से हड़बड़ा गया। रूबी जानती थी कि इस वक्त आकाश अपने केबिन में नहीं था, इसलिए बिना दस्तक के वे किसी कार्यवश उसके केबिन में प्रवेश करती है, पर वहां कोई और होगा इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। जितना विवेक उसे देखकर हड़बड़ा गया था, रूबी भी उसे देखती चौंक गई थी। वैसे भी इतने बड़े ऑफिस में कितने ही सारे कर्मचारी थे और सबको पहचान पाना मुमकिन भी नहीं था।
फिर जो आकाश के केबिन में जो आया होगा वो जरूर आकाश की मर्जी से ही आया होगा, क्योंकि उसके गुस्से से इस सभी वाकिफ थे। इसलिए विवेक का वहां होना रूबी को कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगा। विवेक रूबी के आते उस केबिन से यूं निकलने लगा जैसे उसने उसे नोटिस ही नहीं किया। रूबी ने भी उसे टोका नहीं। विवेक के जाते ही रूबी जिस फाइल के लिए आई थी उसे आकाश की टेबल से लेकर जाने लगी, तभी उसकी नज़र आकाश की टेबल की तितर बितर हालत पर गई। रूबी सोचने लगी या तो उस शख्स ने ऐसा किया हुआ तो आकाश जल्दबाजी में ऐसा छोड़ गया होगा। फिर जाने क्या सोच वो उसकी मेज ठीक करने लगी। तभी किसी फिर ठीक उसी समय आकाश अपने केबल में लौटता है और उसकी नज़र रूबी पर पड़ती है। तुम तो मेरे एब्सेंस में यहाँ क्या कर रही हो? सर, मैं ये फाइल लेने आई थी। वह अपने हाथ में पकड़ी फाइल से दिखाती हुई कहती है, लेकिन आकाश उस पर अपनी तीक्ष्ण नज़र गड़ाए रहा, क्योंकि फाइल उसके हाथ में थी। फिर भी उसने उसकी टेबल पर अन्य सामान के साथ देखा था। इससे भनभनाया हुआ तुरंत उसके पास आता, उसकी बाह अपनी पकड़ में लेता हुआ कहता है, तुम्हें मेरे पर्सनल दायरे में आने का इतना ही शौक है तो इस शौक को पूरा क्यों नहीं करती? जी, रूबी आकाश की पकड़ से छूटने की कोशिश करती विचलित हो रही थी। आकाश उसकी बाह से झटके के साथ छोड़ता हुआ उसकी परेशान हालत देखता मुस्कुरा उठा था, जबकि उसकी पकड़ से छूटती हुई रूबी बुरी तरह से घबराई नजर आ रही थी। तभी एक नॉक के साथ केबिन का दरवाजा दोबारा खुलता है और उस पार से अरुण प्रवेश करता है। पहले नजर में रूबी को उठते हुए देख रहा था तो दूसरी नजर आंखें तरेरते हुए आकाश पर जाती है। अरुण तुरंत रूबी के पास आता उसे उठने में सहायता करता पूछता है, आर यू ओके मिस रूबी? रूबी घबराहट में बस हाँ में सर हिलाती अब खड़ी हो गई थी। गिर गई थी बेचारी, आकाश अब तीक्ष्ण स्वर में कह रहा था। रूबी खुद को संभालते हुए बाहर निकल जाती है। अरुण सोचता हुआ जाते हुए रूबी को देख रहा था, जिसे आकाश पुनः आकाश अरुण की ओर देखता हुआ कह उठा, लीव इट एंड स्टार्ट नेक्स्ट। वर्तिका बहुत देर तक मिस्टर श्रीवास्तव के सारे पुराने फोटोज खंगाल डालती है। आखिर बड़ी मुश्किल से उसकी नज़र में वह तस्वीर आ जाती है जो भूमि की संस्था के पहले इवेंट की थी। एक एक करके वे सारी तस्वीरें देखने लगी थी। मिस्टर श्रीवास्तव हैरान हुए जा रहे थे, क्योंकि वे इवेंट के बजाय उस इवेंट की अन्य तस्वीरों पर अपनी नज़र गड़ाई थी। वे तो बस वर्तिका को जानती थी और वे क्या तलाश रही थी। आखिर एक अदद तस्वीर वो मिल ही गई जिसमें रंजीत की अतीत चुगली कर दी। उस तस्वीर में स्टेज के बगल के कोने में भूमि खड़ी थी और ठीक उसके बगल में रंजीत था, जिसकी नज़र स्टेज पर होनी चाहिए थी पर उसकी नज़रें तो बस भूमि पर टिकी थी। दो पल तक वर्तिका उस तस्वीर के अर्थ को अपने मन में तलाशती रही। बस सिर्फ एक तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी तो नहीं होती, इसलिए वह इसे बस एक क्लू मानकर चलती है। फिर अगली एक और तस्वीर ने इस क्लू तक पहुँचने में उसे सहायता दे दिया। वह तस्वीर थी स्टेज के सामने की कुर्सी पर बैठे एक शख्स की, जिसे देखते ही वह पहचान गई। थैंक यू श्रीवास्तव जी, आपने मेरी बहुत हेल्प कर दी। जी बिल्कुल, वह भी आंखों से आभार प्रकट करता है। मुझे ज़रा जल्दी है, आप मेरी ओर से अपनी मैडम जी को भी थैंक्स कह दीजिएगा। जी। इसके बाद तो वर्तिका भूमि के पास वापस न जाकर तुरंत ही संस्था से बाहर निकल जाती है। जब से अरुण दादाजी का मंदिर संभालने लगा था तब से वे शाम को जल्दी वापस आ जाता था। आते ही वे कमरे में पहुंचता नहीं कि पीछे से उजला चाय लिए हाजिर हो जाती। एक आदत सी हो गई थी उसकी मौजूदगी की। वे कपड़े चेंज भी कर चुका था पर उजला अभी तक नहीं आई। उसका इंतजार नहीं था, फिर भी वह क्यों नहीं आई इस बात से वे अपना ध्यान नहीं हटा पाया। एक दो बार बालकनी तक टहलते वे दो तीन सिगरेट भी पी गया, पर वह फिर भी नहीं आई। तभी एक आहट हुई और उसका ध्यान तुरंत दरवाजे की ओर गया। उजला? नहीं छोटे मालिक, मैं देवेश। वे आते चाय का कप उसकी नज़रों के सामने की मेज पर सजाते हुए कहता है, कुछ और चाहिए आपको? उजला कहाँ है? पता नहीं, दोपहर से देखा नहीं उसे छोटे मालिक, कहता हुआ दो पल तक अरुण के सामने खड़ा रहा। फिर आगे कुछ कहे, ठीक है जाओ, कहता हुआ देवेश को जाता हुआ देखते सिगरेट को बुझाकर दो क्षण रुक कर कुछ देखते सोचता रहा, फिर तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गया। अरुण क्षितिज के कमरे तक पहुंचा ही था कि उसे उम्मीद थी उजला वहां जरूर होगी, पर वहां पहुंचते क्षितिज को उसके ट्यूशन सर को पढ़ते देख वह उससे पूछने लगा, क्षितिज तुमने उजला को देखा? नहीं चाचू, क्यों? वह भी वही सवाल कर रहा था जो अरुण खुद से नहीं करना चाहता था। कुछ नहीं, तुम पढ़ो, कहता वह तुरंत ही उसके कमरे से निकल कर मुख्य हॉल की ओर बढ़ने लगा, जहाँ उसे हरिमन काका आते दिख रहे थे।
उसे नहीं पता था वे क्यों उजला को खोज रहा था, पर उसका नाम मिलना उसमें बेचैनी भर दे रहा था। काका, हाँ बोलो बेटा। वो उजला कहाँ है, मुझे कुछ काम था उससे। अरुण भरसक अपने हाव भाव को सख्त किए रहा। उसे तो हम भी ढूंढ रहे हैं तब से, वैसे कहीं जाती तो नहीं, हो सकता है पीछे गार्डन तक गई हो, हम अभी देखे नहीं है वहाँ तक। हरमन काका तुरंत ही बाहर जाने को व्यग्र होने लगे तो अरुण ने टोकता हुआ कहने लगा, आप रहने दीजिए, मैं गार्डन तक ही जा रहा हूँ, देख लूँगा। कहता हुआ अरुण लंबे लंबे डग भरता हुआ मुख्य हॉल को पार करके बाहर निकलने लगा। अरुण बाहर निकल कर गार्डन तक मुड़ा ही था कि कोई एहसास उसे अपने पैरों के आसपास तेजी से महसूस होने लगा। ये बड़ी था जो उसे देखते तुरंत उसकी ओर लपकता पहुंचा था। वह उसके पैरों के आसपास होता, बार बार उसके पैरों के बीच से निकलने लगता, तो कभी उसे पीछे की ओर धकेलने लगता। अरे बड़ी, अब तुझे हुआ क्या है, छोड़ मुझे, अभी तेरे से खेलने का मेरा कोई मूड नहीं है। बड़ी ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, बल्कि और ज्यादा उसकी ओर वह घुसने लगा। बार बार अरुण को पीछे ढकेलता, रोकने लगता, तो कभी अपनी गले की बंधी चेन को उसके पैरों के इर्द गिर्द लपेटता हुआ जैसे उसे बांध ही लेता। इससे अरुण परेशान होने लगा। आज उसे बड़ी का बर्ताव बड़ा अजीब लग रहा था। हर बार जब वह बड़ी को झड़क देता तो वह कोना पकड़े बैठ जाता, लेकिन आज तो वह जैसे उसकी कुछ सुन ही नहीं रहा था। अरुण उसे बार बार अपने से पीछे ढकेल रहा था, पर जब बड़ी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह बड़ी चालाकी से उसकी चेन का एक सिरा पास की झाड़ी पर फंसा देता है। अगले ही पल बड़ी की सीमा रेखा तय हो जाती है। मुझसे बदमाशी, अब जब तक यहाँ बंधे रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। बड़ी अब अरुण तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिसे वे आगे की ओर झुका हुआ कू कू की दयनीय आवाज निकालने लगा। लेकिन इस बात को अनदेखा करता अरुण तुरंत ही जाने को जो ही पीए मुड़ता है, सहसा चौंक जाता है। अचानक सुजला उसकी नजरों के सामने थी। वे चौंक गया क्योंकि उसने उसे आते हुए देखा ही नहीं। आखिर कब और कहां से वे आई, तुम कहां थी, बिना सोचे अरुण वे पूछ उठा। कुछ काम था आपको, उजला ने उसके सवाल का उत्तर नहीं दिया। हाँ, वो आरती का सामान नहीं मिल रहा था इसलिए। लेकिन मैंने तो आरती की सारी तैयारी कर दी थी। अरुण से अब कुछ कहते नहीं बना, बस एक नजर उसे देखता तुरंत ही वापस अंदर की ओर चल दिया। उसे जाता देख उजला बड़ी की ओर देखने लगी, जो अभी भी झुका हुआ कुंकू की दयनीय आवाज निकाल रहा था। उजला उसकी ओर झुकती हुई उसकी गर्दन को सहलाती हुई उसे चेन से मुक्त कर देती है। लेकिन वह उसे दूर नहीं जाता, बल्कि उसके पैरों के पास ही लौटता हुआ अभी भी कुंकू की आवाज निकाल रहा था। क्या करूं, मन ही नहीं मानता ना, किसी तरह से दूर से ही सही बाबूजी को देख आती हूँ तो मन संभल जाता है। पता नहीं कब मेरे बाबूजी इस निद्रा से निकलेंगे। वे बहुत धीरे से अपनी बात कह रही थी और बड़ी भी अब उसकी ओर मुंह उठाए यूं देख रहा था मानो उसकी सारी बात समझ रहा हो और उसे मौन ही ढांढस दे रहा हो। लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि उन्हें दूर से ही अरुण देख रहा था। ये बात अलग थी कि वे अरुण की कही उजला की कही बात सुन नहीं पाया था, लेकिन बड़ी का उजला के प्रति समर्पण वे हतप्रभता से देखता रहा। वर्तिका दौड़ती हाफती इस समय रंजीत के मैनेजर सुकेश के सामने खड़ी थी। वे भी उसी हैरानगी से उसे देखने लगा, क्योंकि इससे पहले उसने कभी वर्तिका को रंजीत के ऑफिस आते नहीं देखा था। लेकिन उससे भी हैरानगी का प्रश्न तो वे अब कर रही थी। 10 साल पहले की बात है, आप जरा ध्यान से सोचे ना कि आप भैया के कहने पर किसी इवेंट में गए थे या कोई और ऑफिस से गया था। 10 साल पहले, वे आंखें नचाता हुआ बोलता है, मैं तो सर के कहने पे कितने सारे इवेंट में जाता हूँ मैम, आपको तो पता ही ना कि सर किसी इवेंट में नहीं जाते। ओहो, आप बात ही नहीं समझ रहे, वो कोई डिफरेंट इवेंट था, वर्तिका खुद पर से झुंझलाती हुई कहने लगी। काश वो शख्स मुझे मिल जाते जिसे मैंने इस तस्वीर में बैठे देखा था, पहले वो यहीं नौकरी करते थे, पर अब उन्हें कहाँ ढूंढूं, उनके अलावा तो मैं किसी को पहचानती ही नहीं। वर्तिका उदास भाव से नौटने लगी। उसने जिस शख्स को उस तस्वीर में आगे बैठे देखा था, पहले वे रंजीत के ऑफिस में ही काम करता था, पर अब उसे वे कहाँ खोजे, वो भी 10 साल बाद, उसे ये उम्मीद का तिनका मिला था, अब वो भी डूब गया। वर्तिका वापस बाहर निकलती हुई कहने लगी, यहाँ आकर भी कोई बात नहीं बनी, अब कैसे पता चलेगा कि उस संस्था के इवेंट में क्या हुआ था। सुकेश भी अनबूझा सा खड़ा रहा, वे बात समझ भी नहीं पाया, पर तभी वर्तिका का कहा हुआ आखिरी वाक्य जैसे ही उसके कानों में पड़ा, वे चौंकता हुआ उसे पुकार बैठा, मैम एक मिनट, आपने क्या संस्था बोला अभी। वर्तिका की आवाज सुन तुरंत उसकी ओर मुड़कर बोलती, हाँ हाँ संस्था, क्या कुछ याद आया आपको। अरे हाँ, क्यों नहीं याद आएगा मैम, आपने ये बताया नहीं कि आप किसी सोशल इवेंट की बात कर रही हैं।
वर्धिका अब खुश होती उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी थी। मैं भी गया था पर जगह नहीं मिली थी तो पीछे खड़ा रहा, बल्कि वहाँ जितने भी दर्शक थे सभी इसी ऑफिस के ही थे। अब उस बेकार प्रोग्राम के लिए कौन अपना पैसा बर्बाद करता। वह अनभिज्ञता से हंसते हुए अपनी बात कहने लगा, पर वर्तिका का सख्त होता चेहरा देखते तुरंत खुद को संभालते हुए आगे कहने लगा, मतलब वो गाना और प्ले देखने में हर किसी को इंटरेस्ट तो नहीं आता ना, इसलिए मैंने ये कहा। वैसे उस दिन को मैं क्या कोई ऑफिस का व्यक्ति नहीं भूल सकता। सर ने सबको फ्री में टिकट दिया और प्लस इंक्रीमेंट भी दिया था, तो उस दिन तो जाने वालों की भीड़ लग गई थी। जिसका मन नहीं था वो भी वहाँ प्रोग्राम देखने पहुँच गया। क्या अजीब माहौल बन गया था। सर तक को खुद जगह नहीं मिली, वो तो बैक स्टेज ही चले गए थे। मैं खुद खड़े खड़े सोता रहा। कहते कहते सुकेश एकदम से चुप हो गया। मैं समझ गया कि वह कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। आपने बहुत कुछ बता दिया, थैंक यू सो मच। एक सख्त नज़र उस पर डालती हुई वर्तिका बाहर निकल गई। बाहर निकलते निकलते वर्तिका बहुत कुछ समझ चुकी थी, ये भी कि उसके भाई के सख्त सीने में कभी कोई कोमल भावना भी थी, जिसे उन्होंने क्यों बढ़ने दिया या वक्त ने उन्हें ऐसा करने में मजबूर कर दिया। जो भी हो, वे आगे का सच अपने भाई के मुंह से ही सुनेगी। शाम को ड्यूटी ऑफ टाइम के बाद रूबी अपने घर से होकर देर शाम को सेल्विन के घर पहुंच गई। उसे पता था जब तक सेल्विन भी अपने घर लौट चुका होगा। वह उसके लिए खाना बना रही थी। सेल्विन अभी अभी लौटा, बस उसके कपड़े चेंज करने पहुंचा था। रूबी अक्सर ही उसके लिए या तो अपने घर से खाना ले आती थी, नहीं तो यहीं आके बना देती। वह झट पर मसाले डालती, सब्जी को ढकती हुई आटा लगाने लगी थी। आटा लगाते लगाते उस पल के क्षण एकांत में उसके मन में आकाश की कही बातें सहसा गूंज उठी। तुम्हें मेरे पर्सनल दायरे में आने का इतना ही शौक है तो शौक को पूरा क्यों नहीं करती। ये सोचते उसके समस्त शरीर ने झुरझुरी ली। तभी सेल्विन ने पीछे से आते उसे जैसे स्पर्श किया वे बुरी तरह से चौंक गई। वे लगभग डर ही गई। क्या हुआ तुम्हें, ऐसे डर क्यों गई। सेल्विन हतप्रभ उसे देखता रहा, जबकि रूबी उसे अपने सामने पाते एकदम से उससे लिपट गई। क्या हुआ, कहता है वह उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। रूबी अभी उससे लिपटी धीरे से कहने लगी, बहुत डर लगता है इस दुनिया से, कितनी मतलबी और धूर्त है ये दुनिया, हर वक्त बदले हुए कुछ न कुछ चाहती है। भरे लहजे से वे कहती रह रही थी जबकि सेल्विन की पकड़ क्रमशः ढीली होती गई। मन करता है नौकरी छोड़ दूं, पर क्या करूं, जहां भी जाऊंगी हर बार चेहरे बदल जाएंगे पर लोगों की निगाह नहीं, कितनी धूर्तता भरी है उनकी आंखों में, लेकिन उन सब में बस एक तुम ही हो जिसकी आंखों में बस प्रेम और विश्वास में पाती हूँ। मन करता है तुम्हारी पनाह से कभी दूर ना जाऊं। सेल्विन का मन कांप गया, वह कसमसा के छूटने लगा उससे, पर रूबी अब उन्हें और कसकर थामे कह रही थी, देखना जब हमारी शादी होगी ना तब मैं नौकरी वोकरी सब छोड़ दूंगी और बस शाम को तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। तुम्हारे लिए मैं खूब तैयार होकर रहूंगी। हमारा अपना घर होगा, फिर हमारे बच्चे होंगे, उन्हें भी तो संभालना होगा, फिर दोपहर तक उनके संग समय बिताऊंगी और शाम को तुम्हारे साथ। कितनी खूबसूरत होगी ना हमारी दुनिया। वे भरपूर उमंग से सेल्विन का चेहरा देखती है जहाँ लेशमात भी उमंग नहीं थी, पर इससे पहले कि रूबी का ध्यान उसके हाव भाव पर जाता वे तुरंत ही चौंक उठी। ये जलनी की बू, ओ माय गॉड, सब्जी। वे तुरंत ही सब्जी की ढकी प्लेट उठाकर जल्दी सब्जी को देखती खिलखिलाते हुए कह उठी, लो हमारा प्यार देखकर ये सब्जी भी जल गई। अपनी भरपूर मुस्कान के साथ वे पलट कर सेल्विन की ओर देखती है जो वहां से अब जा चुका था। वर्तिका तो जैसे मन में सोच ही चुकी थी कि आज किसी भी तरह से उसे अपने भाई का मन टटोलना ही है, और सही वक्त उसे मिल भी गया। इस वक्त डिनर के समय वर्तिका अपने हाथ से रंजीत के लिए खाना परोस रही थी। अरे बस बस, आजकल तुम मुझे खिला खिला कर ना मोटा करने वाली हो क्या। मेरे भैया मोटे नहीं, हैंडसम है दिखने में, इतने कि कोई भी लड़की उन्हें देखी तो देखती रह जाए। इस पर रंजीत कसकर हंस पड़ा, पर कनखनी से देखती वर्तिका अपनी बात कह रही थी, क्या कभी ऐसा हुआ है भैया किसी इवेंट में या कोई प्ले वगैरह देखने गए हो तब। अरे नहीं बाबा, कहाँ जाता हूँ मैं। चलो ये खाओ, सब्जी तो लाजवाब बनी है, लगता है ये सब तुम्हारे हाथ लगाने से टेस्टी हुई है। आज नहीं जाते पर कभी पहले तो गए होंगे ना आप। तुम्हें लगता है भूख नहीं लगी, वरना इतना टेस्टी खाना देखने के बाद तो रुकना ही मुश्किल है, कहता हुआ रंजीत हाथ पकड़कर वर्तिका को साथ ही कुर्सी पर बैठा देता है और उसके आगे रखी प्लेट में खाना परोसने लगता है।
वर्तिका समझ गई थी कि उसे सीधे सीधे पूछना होगा। भैया, आज मैं भूमि भाभी से मिलने गई थी। अपनी बात कहती हुए लगातार रंजीत के बदलते हुए हाव भाव देखने लगी, जहाँ सच में अब कुछ बदल गया था। अब समझ गए ना मैं किन भूमि भाभी की बात कर रही हूँ? आप जानते हैं ना उन्हें? हाँ, सब जानते हैं, आपके सोशल वर्कर है। पर आप कब से जानते हैं? रंजीत के हाथ से चम्मच सरक कर प्लेट पर गिर पड़ी थी। फिर भी रंजीत अपने भावों पर नियंत्रण करता हुआ वर्तिका के विपरीत देखता हुआ कहने लगा, अरे कोई है क्या? मीठा तो नजर ही नहीं आ रहा। 10 साल पहले से? अब तो एक खानसामा आकर उनके सामने एक ट्रे पर रखी 2 कटोरी कस्टर्ड रखता हुआ चुपचाप चला गया। रंजीत उसमें से एक कटोरी उठाकर उसमें चम्मच घुमाने लगता है और उसे मुंह तक नहीं लाता। लेकिन वर्तिका अपनी नजर अपने भाई पर ही टिकाए हुए कहने लगी थी, कितना कुछ छुपा रखा है आपने अपने मन के अंदर। सारी दुनिया से छिपाया ठीक है, पर मुझसे क्यों? एक दूसरे के अलावा आखिर हमारा है ही कौन? रंजीत वर्तिका को बिना देखे टेबल से उठ जाता है, लेकिन वर्तिका उसका हाथ पकड़ती ही विफल पड़ी। भैया, आज आप इस सच से नहीं भाग सकते। अनजाने ही सही पर मैंने आपका वो 10 साल पहले की तस्वीर देख ली। कोई शब्दों से मोहब्बत छिपा सकता है, पर आंखों से कैसे छिपाएगा? मान क्यों नहीं लेते इस सच को आप? जिस सच की कोई माने नहीं, उसका छिपा रहना ही बेहतर है। वह हल्के से वर्तिका का हाथ झटक कर आगे बढ़ने लगा, पर वर्तिका नहीं रुकी और उसकी ओर तेजी से बढ़ती हुई कह उठी, मुझसे तो कहते हैं सब भूलकर आगे बढ़ो, और खुद क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया से कट कर बैठे हैं, क्या ये सही है? क्यों नहीं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाते हैं आप भी? मैं भी तो आपको खुश होते देखना चाहती हूँ भैया। आज रंजीत के जज्बात सच में आपे से बाहर हुए जा रहे थे। वे अपनी आंखों की लुप्त नदी को वर्तिका के सामने झड़ते नहीं दिखा सकता था। वर्तिका चीखती रही, पर रंजीत नहीं रुका और लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने कमरे में समाता दरवाजा बंद कर लेता है। वर्तिका दरवाजे पर ठिठकी रह गई थी। वे कहां देख पाए कि आज अतीत किसी तूफान सा उसके मन की कोठरी से निकलने को बेचैन हुआ जा रहा था। मुट्ठी भींचे वे बंद आंखों के पीछे चलते चलते को आने से ना रोक सका। अतीत में सेठ धनपत राय एक एक सांस बड़ी सावधानी से छोड़ते हुए अपने सामने की मेज पर रखे कागजों पर अपना सारा ध्यान लगाए थे। क्रमवत उन्हें पढ़ने के बाद वे कुछ पेपर्स को अलग रखते हुए अपने सामने बैठे शख्स की ओर देखते हुए कहते हैं, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? देखो अभी मुझे आधा घंटा और लगेगा, फिर क्यों मेरी वजह से अपने ही काम धंधे के नुकसान कर रहे हो? वे अपनी नाक पर टिके चश्मे की बालकनी से झांकते हुए अपने सामने वाले शख्स के चेहरे को गौर से देखते हुए कहते हैं। वे शख्स भी उन्हीं की उम्र का था और उन्हीं की तरह कोट पैंट में बैठा था। वे दोनों प्रौढ़ावस्था के थे, लेकिन उनके सामने बैठे शख्स की आंखों में किसी जवान की भांति चमक थी। तुम करो ना अपना काम, मैंने कब मना किया? लेकिन तुम्हें लिए बिना नहीं हिलूंगा यहाँ से, समझे ना? मैं ऐसे ही नवासरी से नहीं आया हूँ। बड़े जिद्दी हो तुम भी धवल भाई, तो हो ना तुम्हारा दोस्त। तुम जिद्दी तो मैं महाजिद्दी। इस बात पर दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं, लेकिन धनपत राय अपना सीना पकड़े धीमे से हंसते हैं। देख धवल भाई तुरंत उठकर उनकी तरफ झुकते हुए कहने लगे, तुम ठीक तो हो? वे हाथ से धवल भाई को बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ। 10 दिन अस्पताल वालों ने रखकर और बीमार कर दिया, नहीं तो अभी तुमसे रेस लगाता ना तो चुटकी में पछाड़ देता तुमको, कहते हुए धीरे से फंस देते हैं। तुम मुझे पछाड़ दो तभी तो मैं खुश हो जाऊंगा धनपत, कहते हुए धवल भाई अपना हाथ बढ़ाकर अपने दोस्त के हाथ पे हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम अपन जाओ धवल भाई, अपना हर्जा क्यों करते हो? आखिर इतने बड़े व्यवसायी हो और बस एक दोस्ती के खातिर अपना काम धंधा छोड़े बैठे हो। धनपत राय अब उनके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहते हैं, अरे तुम हम सब व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण हो। तुम छोटी छोटी आमदनी वाले से चिट फंड के जरिए पैसा इकट्ठा करते हो और हम सब व्यवसायियों को देते हो, जिससे हमारा धंधा आगे चलता है। और अगर ये चेन रुक गई तो हम सब क्या करेंगे? वे भी अपने हाथ से भाव से अपनी बात कहते हैं, लेकिन मेरा चिट फंड धंधा भी तुम सब व्यवसायियों पर निर्भर है। अगर समय पे तुम सब ब्याज ना चुकाओ तो मैं भी कैसे उन छोटे छोटे निवेशकों को उनका धन दुगना करके लौटा पाऊंगा? बात तो खरी है, ये हमारे व्यवसायियों की चेन है। पर धनपत भाई, अब तुम्हें अपने बेटे को वापस बुलाकर अपना व्यवसाय उसे सौंप देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। फिर तुम्हारी बेटी भी अभी छोटी है, क्या तुमने रंजीत को खबर की अपनी तबीयत की? धनपत राय कहते हैं, नहीं की।
अभी बस उसका कोर्स खत्म होने वाला है और अगर मेरी तबीयत की खबर लग गई तो उसे तो सब छोड़ छाड़ कर वापस चला आएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इससे पहले कि धवल भाई आगे कुछ कहते, तभी उनके केबिन का दरवाजा खुला और एक नौजवान तेजी से अंदर प्रवेश करता हुआ सीधे धनपत राय की ओर आता हुआ कहता है, डैड आप यहाँ ऑफिस में बैठे हैं जबकि आपको घर पर आराम करना चाहिए, चलिए अभी इसी वक्त चलिए मेरे साथ। वह नौजवान रंजीत था, अब उनके बेहद पास आता आद्र मन से कह रहा था जबकि दोनों सन्न भाव से उसे देखते रहे, रंजीत बेटा तुम वापस कब आए और किसने तुम्हें मेरी तबीयत की खबर की? धनपत राय दोनों हाथों से उसके दोनों बाजू थामते हुए कहने लगे, बल्कि मुझे पूछना चाहिए था कि इतनी देर से मुझे क्यों मालूम पड़ा, आपको तुरंत मुझे खबर करनी चाहिए थी, अब मैं आपको एक पल के लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। रंजीत की बात पर उसके पिता भावुक होते अपने दोस्त की ओर देखते हुए कहने लगे, सुन रहे हो धवल भाई, बस इसी वजह से नहीं बताना चाहता था, अब बोलो पढ़ाई छोड़कर क्या मैं मेरी सेवा में बैठा रहेगा, क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे लिए सबसे ज़रूरी है आप ही है डैड। इस पर धवल भाई भी मुस्कुराते हुए कहने लगे, धनपत भाई नसीब वाले हो जो ऐसा बेटा मिला है, सुख उठाओ इसका। इस पर भी बस धीरे से मुस्करा देते हैं। अब रंजीत का ध्यान भी अपने पिता के ठीक सामने बैठे शख्स पर जाता है, जिससे वे रंजीत को धवल भाई से मिलवाते हुए कहते हैं, बेटा इनसे मिलो, ये हैं शहर के जाने माने उद्योगपति धवल भाई, अपना इतना बड़ा व्यवसाय संभालने को अकेले हैं, फिर भी मेरी तबीयत का सुनते तुरंत नवसरी से मेरे पास यहाँ आ गए और सब छोड़ छाड़ कर मुझे घर वापस जाने की जिद लगाए बैठे हैं। मिलवाते ही रंजीत उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। धवल भाई हाथ उठाकर उसे आशीष देते हुए कहते हैं, वैसे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, बस हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, नहीं तो ये बड़ा ज़िद्दी है, तब से कह रहा हूँ आराम करो और ये काम तो होता रहेगा। फिर उनकी बात पर प्रतिक्रिया करते धनपत राय कहते हैं, अभी बहुत महत्वपूर्ण समय है धवल, ये अब तक की सबसे बड़ी चिटफंड योजना है, अगर इस बार ये सफल हो गई तो देश के मध्यम वर्ग को हम अपने विश्वास में ले लेंगे और मैं इसे किसी भी हालत में असफल नहीं होने देना चाहता, बात धन से ज़्यादा विश्वास की है जो कम आय वर्ग मुझ पर करते हैं। इस पर धवल भाई जल्दी से कहते हैं, ठीक है जल्दी से निपटाओ इसे, और मैं तो कहता हूँ बेटे को व्यवसाय सौंपने की तैयारी करो, साथ ही उसकी शादी भी कर दो, फिर उसकी पत्नी घर और तुम्हारी बेटी वर्तिका दोनों को संभाल देगी और तुम खुद को संभालते रहना। सोचता तो यही हूँ कि तुमसे दोस्ती से कहीं ज़्यादा रिश्ता बना लूँ, पर अपने बेटे पर अपना कोई फैसला मैं थोपना नहीं चाहता। कहते हुए नज़र उठाकर रंजीत की नज़रों की ओर देखने लगे, जिसमें अब कुछ थोड़ी झिझक समा गई थी। इस पर धवल भाई झट से उत्साहित होते हुए कहते हैं, अरे वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, फैसला तो मैं भी अपनी बेटी पर नहीं थोपना चाहता, अब बस ये आपस में एक दूसरे को पसंद कर लें। दोनों दोस्तों की दिलचस्प मुस्कान अब रंजीत की ओर मुड़ गई थी, जिसमें शर्माता हुआ रंजीत उनसे परे हटता हुआ केबिन के कोने की मेज पर रखे जग से पानी निकालने लगता है। धनपत राय आगे कहने लगे, वैसे अभी तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? धवल भाई आगे कहते हैं, वही सामाजिक कार्य और क्या, इसके सिवा उसे कुछ सोचता ही कहाँ है, ये सब भी आखिर उसने तुमसे ही तो सीखा है, तुमने भी तो कितनी ही संस्थाओं का पालन किया हुआ है, नहीं तो धन के साथ लोग गुरूर पालते हैं, पर तुमने धन के साथ मान भी बहुत कमाया है और यही संस्कार तुम्हारी बेटी में भी आ गए हैं। धनपत राय के कहते धवल भाई सहमति देते कहने लगे, ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है, उसने मुझे इस लायक बनाया कि ज़रूरतमंदों की मदद कर पा रहा हूँ, तो बस जो होता है कर देता। इस पर दोनों साथ में मुस्करा रहे थे कि तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और उस पार से एक युवती तेजी से अंदर प्रवेश करती हुई दोनों के साथ में अभिवादन करती हुई कहती है, मुझे पता था आप यहीं मिलेंगे इसलिए मैं भी यहीं चली आई। ये भूमि थी जो सिंपल से सलवार कुर्ते में भी बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। उसका सारा ध्यान उन दोनों की ओर था, जबकि वे इस बात से अनजान थी कि केबिन के कोने से आती नज़र भी अब उस पर टिक गई थी। वे रंजीत था जो एकटक उसकी ओर देखने लगा था। धवल भाई जल्दी से कहते हैं, पहले ये बताओ नवसरी से सूरत क्या अकेले ड्राइव करके आई हो तुम? जी बिल्कुल, क्योंकि सूरत में मेरा अपना काम था, आपको बताया था ना कि इस बार संस्था में बच्चों का पहला सोशल इवेंट मैं यहीं कराने वाली हूँ, जिसे इकट्ठे हुए धन से मैं उनके लिए और भी बेहतर कुछ कर पाऊंगी। भूमि की बात पे उसके पिता धवल भाई जल्दी से कहने लगे, धन की तुम्हें क्या समस्या है बेटी, मुझसे लेकर ऐसे ही लगा लो,
नहीं ना पापा, ऐसा काम करना होता तो कब का मैं कर चुकी होती। मैं तो चाहती हूँ कि उन बच्चों का आत्मबल बढ़े और वे ये महसूस करें कि वे ये सब भी इसी समाज का हिस्सा हैं, ना कि समाज की खैरात में पलने वाले कोई बेचारे। बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। आई एम इम्प्रेस्ड। धनपत राय बीच में बोल उठे। इससे भूमि अपने पर्स से एक कागजों का पुलिंदा निकालती हुई कहने लगी, बस इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि इस इवेंट के लिए आप टिकट ले लीजिए। उन बच्चों का प्रोग्राम देखने लोग आएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन धनपत कैसे आएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं। ऐसा करो रंजीत। भूमि के पिता धवल जल्दी से रंजीत की ओर नजर करते उसे आवाज़ देकर अपनी ओर बुलाते हैं, जिससे वह तुरंत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसी एक पल भूमि और रंजीत की नज़र मिली तो धवल भाई आगे कहने लगे, इससे मिलो, ये है मेरी बेटी भूमि और ये है रंजीत, धवल भाई का, धनपत भाई का बेटा। इसे तुम टिकट दे दो, ये ज़रूर आएगा। जी, संक्षिप्त शब्द में कहता हुआ वे अब जानकर भूमि के चेहरे की ओर देखने लगा था, जबकि भूमि खुश होती हुई टिकट की ओर देख रही थी। भूमि बेहद उमंग से एक टिकट फाड़ कर उसे रंजीत की ओर बढ़ाती बढ़ाती एकदम से छिचकती हुई कहने लगी, देखिए मैं ये टिकट सिर्फ पैसों के कलेक्शन के लिए नहीं बेच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों का प्रोग्राम भी लोग देखने आए, ना कि टिकट खरीद कर बस मदद भर करें। इससे उन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। जी ज़रूर, कहता हुआ वो टिकट ले लेता है। तब तक एक चेक पर अमाउंट लिखकर साइन करते हुए धनपत राय उसे भूमि की ओर बढ़ाते हुए कहने लगे, ये छोटी सी भेंट मेरी ओर से उन बच्चों के लिए। ठीक होते हुए तुम्हारे अगले इवेंट में मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू अंकल, अब मैं चलती हूँ। इवेंट बस 2 दिन बाद है और अभी बस 10 टिकट ही बेच पाई हूँ मैं। आपसे मिलती हूँ इस इवेंट के बाद। वे हाथ जोड़कर तुरंत ही हवा के झोंके की तरह केबिन से बाहर निकल जाती है। उसे इस तरह जाते देख दोनों साथ में मुस्करा देते हैं, जबकि रंजीत की आंखों में कुछ बदल गया था। कोई अनकहा सा शब्द उसके जहन में गहरे से उतर गया था। वे मनी मन मुस्कुरा उठा, जिसमें उन दोनों दोस्तों का ध्यान ही नहीं गया। वे फिर आपस में बात करने लगे। भूमि के निकलते थोड़ी देर बाद रंजीत कहता है, डैड मैं आता हूँ अभी, शायद कार में मैं अपना मोबाइल भूल गया। कहता हुआ बेहद सामान्य चाल से चलता हुआ वे केबिन से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे वे केबिन से पूरी तरह से बाहर निकला और केबिन का दरवाज़ा बंद हुआ, वे अपने कदम तेज कर लेता है। वे लगभग दौड़ता हुआ बाहर की ओर निकलने लगा, जिससे ऑफिस के लोग बाकी हैरानी से उसे देखने लगे थे। कुछ लम्हे जो वापस नहीं लौटते पर अपने झूठे निशान भी ले जाते हैं अपने साथ। आखिर क्या हुआ था 10 साल पहले रंजीत और भूमि की जिंदगी में, जानने के लिए सफर के साथ बने रहे बेइंतहा सफर इश्क का। कहानी पसंद आने पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।